कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। ये देखो सब सारे कबूतर आ गए, चारों के चार भी, और ये बल्लक दिन के बाद आप हैं। एक अंडे को छोड़ डाली बारे को ना, और एक बच्चे को खुंद डाले ही, एक अंडे को छोड़ डाले ही। मेरा ख्याल इसमें बच्चा बन गया रहता है, फिर भी ना छोड़ डाले ही। इनको अभी आया नहीं वो बच्चे, इनका एक आपको बच्चा मर गया। और देखो ये खाने भी देता ना इनको, और ये हमारा खबर शायनी कैरेट कैप, और ये कैप्सिकम डाली तो देखो सारे कबूतर उड़ गए। और ये उड़ सका नहीं, इन्हें उड़ता कि नहीं कि मालूम नहीं, देखेंगे एक बार क्या करता है। कि इसके पर्रांग को लब्बर बनी थी सो निकली थी, आज है ना इसके पर्रांग के लब्बर निकाला जो इनको ये पकड़ने की कोशिश करती हूँ। इसे देखो धुड़ाता है, खाली खुट रहा है इसका, देखो इसे कैसा पकड़ो समझ में आता ना है, मिलता अत्य को नहीं कि उड़ सकता नहीं। ठहर बा, ये देखो पकड़ ली हूँ इसके पर को, बाल निकाला, ये लब्बर निकाला चु इसके पर को खोला चु। मैं लब्बर निकाल को कबूतर को उड़ाई, और ऐसे की उड़ाई तो काले कबूतर को, वह ना बाजू जग ठप्पे लग को पड़ गए। अल्लाह बचाए, आप क्या होता क्या है के गनी बोली हूँ, गनी बाजू का लंग पूछो और को आया उड़ा दल हल्का, नहीं तो छोड़ा था हल्का छोड़ने तो इधर दे दल है। उधर ना बाजू को टैंक के बाजू को बढ़ गए कहते, वो गनी को भेजे ना, वो देखता है गनी उधर मिले कहते उठाला कहता है। ये देखो ले लगाता है, छोड़े तो जैसे तपा तो पड़े तो मुझे क्या मालूम है, उन्हें उड़े से उड़ता को बोल लू मैं ना, छोड़ते ही तपक कर पड़े आता है। क्या कि लब्बर निकाली हूँ ना उड़ेंगे उड़े तो जाया से तपक कैसे पड़ा कोने में, इन्हें भी उसे मारा। आज है ना गनी रहने से बच गाने, तो गनी स्कूल गया रहता तो कौन जाकर ले लगाती, मैं पूछ भी सकती नहीं बाजू जाकर। और गनी रहने से क्योंकि कबूतर भेस से मिल गाने तो बिल्लियाँ आती रहती। वोंडा वेस्टी चा निकाला जाने छोड़ता नहीं दोजने उसे, ये देखो डराता है से नजीक जाकर कान अमला पकड़ लेता किसका ये अंडा है ना वेस्ट होगा, इसके ऊपर कौन भी बैठते ना इसके माँ बाप। और ये देखो गनी कबूतर लेके आया है, और हमारे खाला सासू ने फोन करे थे वहाँ पर एक कबूतर है आपको लेक जाओ, वो जरा हंकी को उसे फोड़े उठी की मार लग गया कि घर को। ये देखो कबूतर को बहुत सारा मार लगाया है, सिर्फ फोड़े आ गए हैं उसे, बहुत ज़्यादा है तकलीफ में है पापी। इसका ट्रीटमेंट तो करना बनता है, और कैसे करें ट्रीटमेंट इसका, इसे कौन की मारे भेज कहीं। इसे अलग ही रखना हमारे कबूतर के साथ मिला को रखने को नहीं, क्योंकि ज़्यादा है इसे मार, या मार है कि वो खुद ही फोड़े बने सके मालूम नहीं इसका, ऊपर से अलग से रखना। मेरे शोर आने के बाद बोल को उनको इसे कर सकती नहीं करने का, देखो बाद में कर चू क्यों मिली है हमें ऐसा छोड़ने को नहीं पापा, उसे कितनी तकलीफ है कि क्या है कि देखेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं तो ज़्यादा फोड़ा है, फोड़ा भी है और सिर्फ मार भी लगे है, देखेंगे इंशाल्लाह। मेरे शोर आने के बाद क्या तो डॉक्टर को दिखाती कहती हैं कि मैं तो घर में इलाज करती हूँ। और मैं इसे ले लगा को ऊपर रख डाली हूँ जाल में, और देखो पहले मुर्गियाँ छोड़ी थी ना वहाँ पर रख डाली हूँ, मुर्गियाँ छोड़े थे इस जगह,
और मुर्गियाँ तो नीचे रहते हैं, इसके वास्ते ना इसे यहाँ रख डाली हूँ। और देखो अल्लाह का फजल करम से ठीक ठाक रहता है यहाँ पर। देखेंगे इसका भी इलाज इंशाल्लाह शुरू करेंगे समाने तो दूसरे दिन ऐसा। ये देखो बारिश अभी नीचे उतर गई तो जोर से बारिश शुरू हुआ, जोर से कबूतर को है ना अच्छा ट्रीटमेंट कर को उसे उड़ा डालने का, घर पे रखने का नहीं, उसे उड़ा डालने का, उसकी मर्जी बाद में। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, छोटा सा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।